हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, प्यार भरा गुड आफ्टरनून। और क्या कर रहे हो आप लोग सब? खाना वाना हो गया? लंच में क्या बनाया है जल्दी जल्दी बताइए। आज हमने कुछ भी नहीं बनाया दोस्तों, आज सुबह से हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। एक्चुअली बच्चों का पेरेंट्स मीटिंग था, और कल जो वीडियो मैंने डाला हुआ था स्कूल का बच्चों को टॉर्चिंग करने के ऊपर, वो भी सब बातें मैं अब इसका पूरा वीडियो मैं आपको शाम को बताऊंगी, तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि स्कूल वालों से मेरी बात हुई है, सब सिस्टर से भी सबसे, मतलब आपको सब पूरा वीडियो मिलेगा प्रॉपर, आप शाम को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आज आज तो नहीं, 2-4 दिन पहले की बात है, मेरे पास, मैंने सभी को देखो बोल रखा है, जिसको जो भी प्रॉब्लम हो मेरे से मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग, जो भी बहन, जो भी सिस्टर, जो भी माँ, जो भी है बेटी, या फिर जिसको भी जो प्रॉब्लम है, मेरे से जितना होगा मैं आप लोग की हेल्प करूँगी, जो मेरे, मतलब मुझे जैसा लगेगा कि हाँ यार मेरा, मुझे यहाँ हेल्प करनी चाहिए, जेन्युइन पर्सन। और ऐसे नहीं, हर किसी का नहीं हो सकता है, क्योंकि कई लोग झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ भी बनाते हैं। तो दोस्तों मेरे पास एक बहन का फ़ोन आया 3 से 4 दिन पहले इंस्टाग्राम पर, उसने जो बातें बताई मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो लेडी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। अभी जैसे आजकल ये नहीं, सोशल मीडिया पे कितना चल रहा है, औरतों के लिए बदनाम करा जा रहा है, लाइक ज्योति मौर्या को लेके, या ये अभी सीमा हैदर, मतलब बहुत सी बातों को लेके कि जिन औरतें ऐसा करती हैं, औरतें, तो इनकी बातें छप गई हैं, मीन्स सोशल मीडिया पे आ गई, तो आप लोग को मालूम है ना? और जिनकी छिप गई हैं वो फिर क्या करोगे आप लोग, है ना? जो औरतें कुछ बोल नहीं पा रही हैं, जो औरतें बता नहीं पा रही हैं, चुपचाप सह रही हैं अपने घर में बैठ के, आप लोग को मालूम है कि जिस लेडी ने मुझे जो जो बातें बताई हैं वो किस हद तक हैं? उसका आदमी उसको इस कदर टॉर्चर करता है, इस कदर टॉर्चर करता है, फिजिकली भी और मेंटली। इवन अभी मैं आप लोगों को क्या बोलूं, जो बहनें हैं बखूबी समझ जाएंगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, किस तरीके से वो उसे फिजिकल टॉर्चर करता है, उसके साथ डेली जबरदस्ती करता है। समझ सकते हो ना जबरदस्ती का अर्थ, कि एक औरत भले ही शादीशुदा हो लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ यदि उसके साथ आप रिलेशन बनाते हो, तो वो कानूनी तौर से भी, ये कानून भी इस चीज़ का वो नहीं देता है कि मतलब आ गया कि नहीं, परमिशन कि आप कर सकते हो, जब तक आपकी वाइफ की इजाज़त नहीं आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। उस लेडी के साथ डेली जबरदस्ती होती है, और वो जबरदस्ती ऐसी नहीं कि वो कुछ, वो बहुत ही भयानक रूप से होती है। वो लेडी के जरिए शरीर पे जगह जगह निशान बने हुए होते हैं, वो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती, उसने मुझे मना किया हुआ है कि मैडम ना मेरा नाम लेना, नहीं तो ये लोग ना जाने मुझे मार ही डालेंगे, ये आदमी मुझे मार ही डालेगा। पर वो बहुत दुखी है, उसे लगा मेरा वीडियो देख के ऐसा लगा कि शायद मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। तो मैं आप लोगों से विनती कर रही हूँ कि ऐसे लोगों को यदि आप लोग कहीं भी देखते हो, कोई भी माँ बहन बेटी इस तरीके से परेशान है, तो उनकी तुरंत हेल्प कीजिए। आस पड़ोस के लोग तो सुनते होंगे ना, उसने यही बताया कि डेली का हमारे घर में और आवाज़ें जाती हैं, लेकिन कोई आके यहाँ हेल्प तक नहीं करता, कोई आके यहाँ आवाज़ नहीं उठाता, कोई आके उस आदमी को रोकता नहीं है, मुझे मार मार के मेरे साथ वो रिलेशन बनाता है। आप लोग को एक बात बोलूं, खास तौर से जेंट्स के लिए बोल रही हूं मैं, कि औरत को शारीरिक सुख नहीं चाहिए पहले, सबसे पहले चाहिए उसको मानसिक सुख। यदि उसको मानसिक सुख मिलता है ना, तो वो हर चीज के लिए राजी होती है, आपके साथ सब कुछ कर सकती है, वो जैसा हस्बैंड कहेगा वो सब कुछ कर सकती है। पहले उसके साथ प्यार से पेश तो आओ, औरत होती है प्यार की भूखी, और आदमी सिर्फ एक चीज करना चाहता है उसके साथ, बाकी कुछ नहीं। आप मर रही हैं तो मरिए, जो करना है करिए, हमें आपसे और कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसकी हवस पूरी होना चाहिए आदमी की। बहुत गलत बात है, उसका ये सब सुन के, मतलब उसके साथ कितना टॉर्चरिंग हो रही है, वो जब बता रही थी तो मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे दोस्तों, कि यार कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अपना दुख कितना कम है दूसरों के आगे, जब ऐसा सुनते हैं, क्या चलो मैं एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ, मैं शेयर कर पा रही हूँ, दूसरों से बोल पा रही हूँ, वो औरत बोल भी नहीं पा रही है।
वो अपनी माँ बहन किसी को नहीं, क्योंकि कोई साथ देने वाला नहीं है, उसे मालूम है कि कोई साथ नहीं देगा। इवन मायके वालों ने बोल दिया कि रहो वहीं पे यहाँ, क्योंकि गरीब परिवार से है वो, तो वो कहाँ चली जाए अपने बच्चों को लेके। इवन सारा तमाशा बच्चे भी रोज़ देख रहे हैं, उसने ये बताया कि डेली ये सब बच्चे भी होते देखते हैं, तो सोचो कितना नीच आदमी होगा वो, कि उसे बच्चों तक का ख्याल नहीं है। कल के दिन ऐसे आदमियों पे कोई क्या भरोसा करेगा, कि वो अपनी ही बेटियों पर बुरी नज़र नहीं रखेंगे क्या? ऐसे आदमियों का क्या भरोसा, जो आजकल इतने केसेस वगैरह हो रहे हैं, ये मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ऐसे लोग यार, मानसिक रूप से बीमार हैं ऐसे लोग। ये बीमारी होती है एक तरीके से, कि औरत को सिर्फ एक वस्तु समझना, उसका इस्तेमाल करना, बाकी और कुछ नहीं है। कोई लगाव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि फीलिंग्स जहाँ होती है ना वहाँ प्यार होता है। यहाँ प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, ये सिर्फ हवस होती है कि इंसान आएगा, अपना काम करेगा और मारपीट के साथ करेगा और सो जाएगा। फिर उस लेडी के ऊपर क्या बीती है, उसकी भावनाएं कहाँ तक आहत हुई हैं, उसे कितनी ठेस पहुंची है, उसके सारे शरीर को भी, उसकी आत्मा को भी, उसके दिल को भी, वो सब आदमियों को मतलब नहीं होता है। उन्हें उस चीज़ से कोई परवाह नहीं है कि औरत रोती जा रही है, आंसू गिर रहे हैं, और वो अपने काम में लगे हुए हैं, उनका काम पूरा होना चाहिए। तो औरत कैसे भोग की चीज़ है क्या? बहुत गलत बात है। ऐसी चीज़ों पे हम सब लेडीज़ को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये सब, और आवाज़ कैसा कि कोई हमको जुलूस नहीं निकालना, कोई नारे नहीं लगाना, हमें ये सब सहना नहीं है, बस इतना कि आपके साथ यदि ये सब अत्याचार, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो ये सहना नहीं है, आवाज़ उठाओ इसके खिलाफ। आप कोई भोग की चीज़ नहीं हो कि आपको इस्तेमाल करेंगे और फिर छोड़ देंगे, तो आप लोग को इसका विरोध करना होगा। विरोध करिए, तभी आप लोग इन सब चीज़ों से, जो बार बार मुझे इतने कॉल्स वगैरह आते हैं ना, मुझे बड़ा मन दुखी हो जाता है सुन के कि यार होके क्या पड़ा हुआ इस दुनिया में। जब सोशल मीडिया पे आई, जब पता चला, अभी तक तो यही था कि थोड़ा थोड़ा सुना था कि हाँ औरतों के साथ भी ऐसी, लेकिन आज जब सारी बहनें मिल के मुझे शेयर करती हैं सारी बातें, तब मुझे लगता है कि यार किस हद तक ये दुनिया कितनी बेकार है यार। अभी तो यही सुना था कि यार इस लेडी के साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, जब अखबारों में पढ़ते हैं ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जब मुंह से आज बताई जा रही हैं तब ज़्यादा दुख हो रहा है कि यार सच में इनके साथ ऐसा हो रहा है, उनके साथ ऐसा हो रहा है। आपको ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, कोई और आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, आपको खुद से ही इतनी ताकत अपने आप में लानी ही पड़ेगी, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के भविष्य के लिए। मानव जीवन एक बार मिलता है, इसको इस तरीके से बर्बाद मत करो आप, कि वो आपको टॉर्चर करे जा रहा है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और आप सहती जा रही हो। विरोध करना सीखो। मैं हर महिला कोई गलत सबक नहीं सिखा रही हूँ, जो इन चीजों से गुजर रही है उन्हीं के लिए बता रही हूं मैं। बहुत गलत बात है अत्याचार करना, और तो चलो ठीक है एक तरीके से अपराध है, लेकिन अत्याचार सहना उससे बड़ा अपराध है। कि आप क्यों सह रही हो, जब आपकी गलती नहीं है आप क्यों सह रही हो? ठीक है एक औरत अपना घर परिवार बचाने के लिए, बच्चों को सब कुछ फैमिली, लेकिन कब तक? मैंने भी सही है सारी बातें, सिर्फ एक लिमिट तक कोशिश करी, अब सुधर जाए, अब सुधर जाए, नहीं सुधरा, आखिरकार स्टेप उठाया, अलग हो गए। तो क्या मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई अलग होने के बाद? भगवान ने यदि पेट दिया है ना, तो उसका इंतजाम भी वो करके देता ही है। भूखे नहीं मरोगे आप, आज आप कदम उठा भी लोगे ना कुछ तो कर ही लोगे लाइफ में। बस एक जोश होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं, इसके बिना भी हम जी सकते हैं, हम सहेंगे नहीं, हम अत्याचार नहीं सहेंगे बिल्कुल भी। तो सभी बहनों से मैं यही बोलूँगी कि ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है, आप विरोध करो इस चीज़ का। आप सहती रहोगी तो और बुरी दुर्दशा होगी आपकी।
औरत सिर्फ मान सम्मान की भूखी है, एक बार आप उसको देखे तो देखो मान सम्मान प्यार वो आपके चरणों में बिछ जाएगी। और आप इस तरीके से करोगे तो बेचारी करती है, ऐसा नहीं है, बहुत कम, चलो आजकल की लेडीज़ का मैं बोलूँगी कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, फिर भी यार ये नहीं बोलूँगी कि सभी लोग, बहुत सी सीधी भी होती हैं, आज जो पढ़ लिख गई हैं, जो बाहर निकल गई, वो नहीं सहती हैं, लेकिन जो अभी भी जो मिडिल क्लास निम्न वर्ग की जो महिलाएं हैं वो ये सब सह रही हैं यार, वो सह के चुप हैं। बस हाथ जोड़ के विनती है, आज के बाद आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उसका विरोध करो, बोलो दूसरों से, बोलो कि अपने मन की बातें शेयर करो, हो सकता है कोई आपकी हेल्प कर दो। जरूरी नहीं है कि आप हेल्प की ही मोहताज हैं, आप खुद से जब तक नहीं करोगी जब तक कोई आपकी हेल्प भी नहीं करेगा, आपको खुद से ही बाहर निकलना पड़ेगा इन सब चीज़ों में। तो रिक्वेस्ट करती हूँ, और बहन आपसे भी जिसने आप मेरे को आपने सारी चीज़ें बताई, आपका ना नाम लिया मैंने, ना कुछ भी नहीं, कहाँ से हो आप कुछ भी नहीं बताया मैंने, जैसा आपने मुझसे बोला था। लेकिन बहुत लोग जो अब क्या पता आपको तो कौन जानता होगा क्या नहीं, और जो भी हो, लेकिन मैं तो बस इतना बोलूँगी आवाज़ उठाओ, आवाज़ जब तक नहीं उठाओगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में, और अत्याचार ना करो ना सहो। मैं जेंट्स जो भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि औरत का सम्मान करो, औरत सिर्फ सम्मान की भूखी है, प्यार की भूखी है, फिर देखना आपके घर की काया पलट के रख देगी और आपकी भी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में। कुछ गलत लगा हो, कुछ गलत बोला हो तो माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जो बोलती हूँ वो सही बोलती हूँ। बाय बाय दोस्तों।